हाँ जी, सो वेलकम टू अवर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सौरभ के घर के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, ईमेल आए हैं, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सौरभ को घर दिखाया एंड उसके बाद मैं नौकुचताल आ गया था अपने प्रोजेक्ट के लिए एंड देन मैं बीमार पड़ गया एंड अभी बस मैं रिकवर हुआ ही हूँ। और रिकवरी के बाद मैं थोड़ा बोटिंग करने आ गया, शांति एकदम बहुत अच्छा लगता है मेरे को बोटिंग। तो मैंने सोचा यहीं पर बैठ के ही आपको मैं उसके घर के बारे में बताता हूँ। तो बहुत सारे आपके सवाल थे, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके उन सवालों के जवाब प्लस जो डिज़ाइन है ना, जो खास क्वालिटीज़ हैं उस घर की, मैं आपको वो बताऊं। तो सबसे जो मेन आपका कंसर्न था कि आंटी नहीं मान रही। देखो आंटी मान जाएगी, आंटी का कोई कंसर्न नहीं है। सौरभ ने भी डिस्कस किया और अभी ना मैं बीमार पड़ गया था तो हम कोई ऐसी म्यूचुअल मीटिंग ही नहीं कर पाए कि अंकल हो, आंटी हो, मैं हूँ, सौरभ हो। देखो घर जब बनता है ना तो हम बहुत सारी प्रेजेंट नीड्स को भी देखते हैं और बहुत सारा आगे फ्यूचर में हमारी जो नीड्स होंगी ना, हम उसको भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की आंटी मान भी गई हैं, कई सारी चीज़ें उनकी मेरे भी समझ में आ गई है। तो उसके हिसाब से हम घर को मॉडिफाई करेंगे, प्लानिंग में थोड़े बहुत चेंजेस भी करेंगे, कुछ डिज़ाइन में चेंजेस भी करेंगे, पर मोर और लेस जो घर की सोल है ना वो इंटैक्ट रहेगी। तो आंटी की टेंशन आप लोग ना लें, दे आर लाइक फैमिली टू मी। वो लोग इतने इमटीरियलिस्टिक है ना, उनको कोई मतलब नहीं है पैसों से, नेम से, फेम से, ऐश, कुछ नहीं चाहिए उनको। बहुत सिंपल और सादी ज़िंदगी चाहिए और इसी वजह से लोग उन्हें इतना प्यार भी करते हैं। तो आंटी मान जाएगी। अब हम करते हैं घर के डिज़ाइन के बारे में। सो सबसे पहले हम घर के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं। सो इस घर का जो एक्सटीरियर है बहुत मॉडर्न है, बहुत कंटेम्प्रेरी है और बहुत ही फंक्शनल है। इस घर की लेयर्स को, एलिवेशन को अगर आप देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं पहाड़ों से रिजेंबल करेगा। सौरभ को पहाड़ बहुत पसंद है, वही चीज़ मेरे दिमाग में भी थी। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि फंक्शनल भी है, तो एलिवेशन फंक्शनल होने का मतलब क्या है? फंक्शनल होने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आप देख रहे हो, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ये जालियाँ आपको दिख रही होगी ब्राउन कलर की, ये सिर्फ इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है, ये इस घर को ठंडा भी रखेंगी, जिससे हर साल हमारा लाखों रुपए का बिजली का बिल बच जाएगा। तो हर चीज़ इस घर में एक फंक्शन के साथ है। इन जालियों का एक फ़ायदा और है कि अगर बाहर से कोई घर के अंदर झांकना चाहेगा तो उसको घर के अंदर नहीं दिखेगा, पर घर के अंदर लाइट पूरी मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस घर को बनाते हुए ध्यान में दी है वो इनकी प्राइवेसी, क्योंकि यार सौरभ बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, आप सब तो जानते ही हो। और मैं ये नहीं चाहता कि कल के दिन में, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी अभी, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी फैमिली को ना प्रॉब्लम करे। इसी वजह से हमने जो एंट्रेंस लॉबी है उसको घर के सबसे नीचे रखा है, ताकि कोई भी अगर सौरभ से मिलने आए तो बस एंट्रेंस लॉबी तक ही आए, घर के अंदर ना घुसे और घर वालों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करे। एंड देन आती है लिफ्ट। लिफ्ट दोस्तों लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। एक टाइम बाद हमारे जो माँ बाप हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनके पैरों में दर्द होने लगता है, तो लिफ्ट बहुत ज़रूरत की चीज़ हो जाती है। देन आती है ये स्टेयरकेस जो कि वुडन है। लकड़ी की सीढ़ी का ना यार अपना अलग ही मज़ा है, प्लस कभी अगर आप गिर गए तो आपको चोट भी बहुत कम लगती है, और जो लकड़ी पे चलने की आवाज़ आती है ना, ओहो उसकी तो बात ही कुछ और है। सीढ़ी से ऊपर आते ही हम एंटर करते हैं लिविंग रूम वाले एरिया में, जो कि मेरा फेवरेट है। देखो पूरा घर तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, पर लिविंग रूम वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। सो ये जो लिविंग रूम है ये डबल हाइट है, प्लस ये किचन, मंदिर, बेडरूम्स, लाउंज, गेमिंग रूम, इन सब को आपस में कनेक्ट करता है। सीधे सामने अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वर्किंग रूम है, यहाँ पे वीडियो भी एडिट होंगे, पीयूष यहाँ पे गेमिंग भी करेगा और बहुत सारा काम भी हम यहाँ पे करेंगे। एंड जब मम्मी आवाज़ मारेगी ना खाना खाने आ जाओ, तो यहाँ पे आप जाएंगे, इस स्लाइड में बैठेंगे और इस स्लाइड में श्यू स्लाइड करके आप नीचे पहुँच जाएंगे। तो इसमें जो मज़े आने वाले हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको। हमारा जो लिविंग रूम है दोस्तों वो कुछ कुछ इस तरह का दिखेगा, अमेजिंग लगेगा यार। प्लस इस तरह के वहाँ पे पौधे होंगे, इस तरह का पेड़ वहाँ पे होगा, विच विल बी जस्ट अमेजिंग। एंड साथ में ही इस तरह का कुछ हमारा किचन है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसी दिखेंगी असली में। प्लस ये वो अमेजिंग स्लाइड है जो हमारी गेमिंग रूम से लिविंग रूम को कनेक्ट करेगी। जस्ट इमेजिन इस घर में कितना फन एलिमेंट लेके आएगी यार स्लाइड, मज़ा ही आ जाएगा। तो जैसे लिविंग रूम आपने देखा ना, ये पूरा डिज़ाइन हमने कनेक्शन के बेसिस पे किया था कि सौरभ के रूम से लिविंग रूम कनेक्टेड हो, लिविंग रूम में मंदिर भी है, लिविंग रूम से किचन कनेक्टेड है, एंट्रेंस लॉबी कनेक्टेड है, स्टेयरकेस, लिफ्ट सब कनेक्टेड हैं, प्लस जो गेमिंग रूम है पीयूष का, गेमिंग रूम भी कनेक्टेड है। तो सारी की सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घर का ना जो सोल है ना वो ये रूम ही है एक तरह से, आप मान के चलिए। प्लस इसमें वो स्लाइड है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है ना, हमेशा से कोशिश करता हूँ कि घर में ना कोई फन फैक्टर हो कि मज़ा आए आपको रहने में, चाहे वो छोटा सा पूल हो या स्लाइड हो या कुछ भी हो सकता है। बट घर अगर आपका नया घर बन रहा है तो सिर्फ आपको रहने के लिए नहीं होना चाहिए ना, वहाँ पे आपको मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड बड़ी बहुत ही मज़ेदार सा एलिमेंट है कि मम्मी ने आवाज़ मारी सुर्रा फिसल के चले गए नीचे, यू नो बाद में देखना बता रहा हूँ आपको, अंकल वगैरह भी स्लाइड करके आएंगे।
इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ फन एलिमेंट. जो स्लाइड अपने आप में इतने मजेदार एलिमेंट है ना, आप लोग अभी भी स्लाइड करोगे ना कहीं जाके, आपको इतनी हैप्पीनेस मिलेगी. तो ये छोटी सी चीज मैंने ऐड करने की कोशिश करी. इस घर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि मंदिर. तो मंदिर तो खासा आंटी को इतना पसंद नहीं आया था, बट वो उनके अपने रीजंस है, आई टोटली रिस्पेक्टेड. एंड मंदिर को हम अब नई जो प्लानिंग करेंगे ना उसमें इंक्लोज कर देंगे. मैंने देखो मंदिर ओपन क्यों रखता हूँ मैं, कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मंदिर ना एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट होता है किसी घर का, बहुत ही पॉजिटिव जगह होती है. तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से पॉजिटिविटी ना कन्फाइन ना हो चार दीवारी में, है ना, वहाँ से हर कमरे में हर स्पेस में ओवरफ्लो करे. सो ये है हमारा मंदिर, जो कि बहुत अलग तरीके का है, पर क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी हमने रखी थी कि यहाँ पे जब पूजा होती ना तो पूरे घर में उस पूजा की खुशबू और वो भजन की आवाज़ और वो पॉजिटिविटी पूरे घर में स्प्रेड हो जाती. रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वो मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है ना, अमेजिंग. तो इस तरह का मैंने सोचा था, बट अब थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको, अब इसको हम बंद कर देंगे, एनक्लोज कर देंगे इसको. बेडरूम्स तो आपने सौरभ के वीडियो में देखे थे, काफ़ी स्पेशियस हैं, अच्छे हैं, खुले खुले हैं. खास तौर से जो सौरभ का बेडरूम है ना, वो कुछ इस तरह का लगेगा, ब्राइट एंड एयरी एंड लाइट, हवा, सामने पूरा जंगल दिखता है. इट बी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क. प्लस वो इतना हार्ड वर्किंग है, तो मैं चाहता था कि उसको बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस मिले. प्लस उसका रूम सारे रूम से कनेक्टेड भी है. इसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ इस घर की जो मुझे लगती है, वो है सौरभ का आर्ट रूम. देखो दिल से ना वो एक आर्टिस्ट है एंड ही लव्स हिज आर्ट. ये जो आर्ट रूम है, दिस विल बी कम्प्लीटली वाइट इन कलर. इसकी छत भी वाइट होगी, फ्लोर भी वाइट होगा, दीवारें भी वाइट होंगी. प्लस इसमें छत से नेचुरल लाइट भी आएगी, आर्टिफिशियल लाइट भी आएगी, एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर सौरभ टू वर्क एंड अपने आर्ट को शोकेस भी करेगा यहाँ पे वो. बहुत मजा आएगा उसको, यू नो कि बहुत बड़ा रूम होगा. तो अभी जितना आर्ट वर्क है सौरभ के, उससे पूरा रूम भरेगा नहीं. तो धीरे धीरे वो यू नो अपने रूम को भरेगा, एंड इट बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर हिम टू वर्क. मतलब इतना मेरे को पता है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो दोस्तों, आई होप आपको सौरभ का घर पसंद आया हो. एंड हमने काफ़ी मेहनत करी है, एंड हम यूजुअली अपने सारे घरों में बहुत मेहनत करते हैं. आर्किटेक्चर इज़ माई मेन प्रोफेशन. बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एंड उनको लगता है यूट्यूब ही मेरा मेन प्रोफेशन है. बट नहीं, यूट्यूब की तो ऑलमोस्ट सारा जो एडसेंस आता है, हम सारा जानवरों पर ही हम स्पेंड कर देते हैं. सो मेरी मेन ब्रेड एंड बटर इज़ आर्किटेक्चर, एंड इट्स माई पैशन एज वेल. एंड अगर आप भी चाहें अपना घर मुझसे डिज़ाइन कराना, हम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं ना. हम बहुत सारी जगह डिज़ाइन कर रहे हैं, हम राजस्थान में डिज़ाइन कर रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल में डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी साउथ इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. इस एरिया में तो हम काम करते ही हैं. सो आई वुड लव टू डिज़ाइन फॉर यू, एंड हमारे रेट कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है. मतलब आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो यू विल नो. मेन मोटिव हमारा डिज़ाइन करना है, दैट इज़ माई पैशन एंड दैट इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स आई हैव. अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें वर्क रिलेटेड, तो आप हमारा ये ई मेल आई डी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं अपना नंबर यहाँ पे नहीं दे सकता, बिकॉज लोग बहुत स्पैम करने लगते हैं. एंड अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी या मैं ही आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा. प्लस आप मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं. एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, डिज़ाइंस वगैरह भी, और बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा. अगर आप ऐसे मेरे और प्रोजेक्ट्स के बारे में देखना चाहें तो वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो आप मुझे वो भी बताइएगा. अगर सौरभ के घर के लिए आपके पास कोई राय है तो आप वो भी दे सकते हैं. आपको क्या चीज़ पसंद आई इस घर में, आप मुझे वो भी बता सकते हैं. तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.